हर्षद मेहता स्कैम 92, नाम तो सबने सुना होगा। नाम क्यों, लॉकडाउन में तो सबने ये वेब सीरीज देखी ही होगी, स्टार्टिंग से एंडिंग तक विदाउट ब्रेक, राइट? क्योंकि जितनी इंटरेस्टिंग ये सीरीज थी, मन ही नहीं हुआ उठने का। तो वही चीज है, जितनी इंटरेस्टिंग आपको ये सीरीज लगी, आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ये डिवाइड किया हुआ है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर, 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, लोन्स हो गए, जैसे हम बोलते हैं बैंक देती है लोन्स, कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई जो क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट से शेयर डिबेंचर जो क्या करती है, कंपनी इश्यू करती है फॉर रेजिंग फंड। नेक्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे बैंक अगर सर्विसेज दे रही है रिलेटेड टू फाइनेंस की, लोन दे रही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट दे रही है, तो ये सब क्या है, ये सर्विसेज है। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट जो कि हमें पढ़ना है, हमारा टॉपिक यही है। ये थ्री जो इसके अंदर ये दिए हैं, थ्री डिविजन जो दिए हैं वो हमारे सिलेबस में कवर नहीं है, सो ओनली वी हैव टू रीड इज फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो किससे क्रिएट होता है, इट इज अ लिंक बिटवीन द सेवर एंड बोरोअर। सेवर्स कौन हुए, हम जैसे लोग जो हम क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं। अब मैंने सेविंग तो कर लिया, अब मैं चाहती हूँ कि घर पे ही मेरी सेविंग्स रखी रहे, नहीं ना, मैं ये चाहूंगी कि ये जो सेविंग्स है इसे मैं कहीं इन्वेस्ट करूं। कहाँ इन्वेस्ट करूं, फर्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास बैंक, कि मैं बैंक में इन्वेस्ट कर देती हूँ, राइट, कि वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या है मेरे पास, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, कि हम फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे। फाइनेंशियल मार्केट मीन कंपनीज में इन्वेस्ट करना, शेयर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना, कि ताकि मुझे वहां से अच्छा डिविडेंड या वहां से मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिल सके, सो दैट विल कम इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो ये हो गया सेवर। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बोरोअर है। तो बोरोअर क्या हो गया, कंपनीज हो गई, बोरोअर जिसे पैसों की जरूरत है। तो कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, कंपनी अपना फंड रेज करने के लिए इश्यू करेगी शेयर्स डिबेंचर्स, तो दैट विल कम इन द बोरोअर साइड। तो सेवर्स एंड बोरोअर, ये दो पार्ट्स हम यहाँ देखेंगे कि ये पूरा जो हमारा मार्केट है वो ये दो लोगों से ही क्रिएट हुआ है, दैट इज सेवर एंड नेक्स्ट इज बोरोअर। सेवर्स हम जो क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेवर्स को इन्वेस्टर्स बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना है, हम इन्वेस्ट करेंगे और बोरोअर को जो कंपनीज है उनको फंड मिल जाएगा, और फिर कंपनीज क्या करेंगी, वो कहीं और इन्वेस्ट करेगी कि ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा प्रॉफिट हो, और उससे हमें वो अच्छा डिविडेंड दे सके, अच्छा हमें इंटरेस्ट दे सके, तभी तो हम वहां इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो इन्वेस्ट ही क्यों करें। क्लियर? तो ये दो लिंक बनेगी यहाँ पे, दैट इज सेवर एंड बोरोवर। सेवर्स हम है जो इन्वेस्ट करेंगे और बोरोवर कंपनीज है जिन्हें फंडिंग की जरूरत है। ओके, नाउ फाइनेंशियल मार्केट। अभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम देखेंगे डिवाइडेड 2 पार्ट्स के अंदर, 2 टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर इंक्लूडेड इन दिस। फर्स्ट वन कैपिटल मार्केट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, कि कैपिटल मार्केट फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट क्या है, जब हम बोलते हैं कोई भी न्यू कंपनी है जो स्टार्टअप कर रही है तो उसे फंडिंग की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, अपना फंडिंग करने के लिए इशू करेगी शेयर्स डिबेंचर्स, ये सब इशू किया जाएगा, जिसे हम आईपीओ बोलते हैं, राइट, कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर क्या होगा, शेयर्स इशू किए जाते हैं कि उन्हें फंड रेज कर सके कंपनीज, तो दैट विल कम इन प्राइमरी मार्केट, जो कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू कर रही है। एंड सेकेंडरी मार्केट इज स्टॉक एक्सचेंज, जहां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील किया जाता है, ये हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो दैट इज कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट के लिए अभी हम देखेंगे कि मनी मार्केट एक तरीके से जो मार्केट है वो ट्रेड करता है, डील करता है ओनली इन मनी, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि मनी रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस से रिलेटेड होगा ये, इसमें लैंडिंग और बोरोइंग होगी, राइट, जिसको पैसा चाहिए वो पैसा लेगा और जिसको देना है इन्वेस्ट करना है, दैट इज लेंडिंग। तो मनी मार्केट में हम देखेंगे, बस मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होगा। अगर इन्वेस्टमेंट आपको करना है फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, सो यू कैन इन्वेस्ट इन मनी मार्केट, बट फर्दर यू टू इन्वेस्ट, दैट इज
अबव वन ईयर, सो यू हैव टू डील इन कैपिटल मार्केट। तो ये दो टाइप के मार्केट्स हम देखने वाले हैं डिटेल के। मनी मार्केट, अब क्या है मनी मार्केट? इट इज अ मार्केट ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी फॉर अ शॉर्ट टर्म, जो कि मैंने आपको कहा इस केस में बोरोइंग और लेंडिंग होगी। अगर हमें पैसा चाहिए, इंडिविजुअल्स को बोरो करना है, सो दे कैन गो इन मनी मार्केट, राइट? और लेंडिंग, जिसे पैसा देना है, जो लेंड करना चाहता है वो क्या करेगा, पैसा दे देगा और उससे अच्छा खासा इंटरेस्ट वो अर्न कर सकता है। लेकिन आपको ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, मनी मार्केट सिर्फ शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा। जैसे हम देखेंगे बैंक्स आएंगे इसके अंदर, छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन आएंगे जो कि हम आगे देखने वाले। तो मनी मार्केट में जब भी आपको 1 ईयर के लिए अगर लोन लेना है, अमाउंट आपको बोरो करना है, सो यू कैन गो इन मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर डीलिंग इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स क्या होगा? शॉर्ट टर्म तो मैंने आपको बताया, और फाइनेंशियल असेट्स मींस व्हाट? ऐसे असेट्स जिससे आप फंडिंग रेज कर सकते हो। तो इसके अंदर फाइनेंशियल असेट्स क्या हो गए? शेयर्स हो गए, शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो रहेगा वो तो कैपिटल मार्केट है, ठीक है? शेयर डिबेंचर्स की बात यहाँ पे होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये मनी मार्केट है। जो शेयर डिबेंचर्स है वो कैपिटल मार्केट के अंदर प्रिवेल करेगा, नॉट इन मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में क्या आएगा मैम, हमें तो समझ नहीं आ रहा। ये आपको आएगा समझ में जब हम आगे देखेंगे कि मनी मार्केट के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें रेज कर सकते हैं हम फंडिंग के लिए, जो इशू किए जाते हैं फॉर रेजिंग फंड। तो वो ही दिया है कि फाइनेंशियल असेट्स मीन दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिन्हें रेज करके, इशू करके हम फंडिंग रेज कर सकते हैं। तो दैट इज फाइनेंशियल असेट्स हैविंग हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी क्यों बोला है? क्योंकि उसे हम इशू करते ही हमें अमाउंट, हमें फंडिंग मिल जाएगी। सबसे पहले हम बोलते हैं मनी होता है जो हमारे पास होता है, जब भी हम चाहे इसको यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट दिस इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विडिटी क्या हो गया? नेक्स्ट टू मनी, ये आपने अकाउंट्स में देखा ही है। दैट इज नेक्स्ट टू मनी, जो भी हम बोलते हैं हमारे हैंड में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे मैं कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जब बात करते हो अकाउंट्स में डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सब क्या है कि आप कभी भी उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही है हाई लिक्विडिटी की, जब चाहो आप इन इंस्ट्रूमेंट से फंड रेज कर सकते हो विद क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। वही चीज हो गई, सब्स्टिट्यूट मतलब वही चीज कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ असेट्स आपके पास है जिससे आप फंड रेज कर सकते। क्लियर? सो इट इज अ मार्केट फॉर डीलिंग इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स हैविंग हाई लिक्विडिटी विद क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी। क्लियर? नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, विल सी दैट। फर्स्ट वन, डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज से समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइज मीन कि कुछ फॉर्मल रूल्स होंगे वहां पे, कुछ रेगुलेशंस होगी, ऐसा मार्केट है। मनी मार्केट तो है लेकिन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दो में डिवाइड है। तो ऑर्गेनाइज में बोलेंगे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइज। एंड अनऑर्गेनाइज में देखेंगे हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे नहीं होंगे, जो कि हम आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। तो मनी मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया। सेकेंड इज क्रेडिट वर्दीनेस इज इंपॉर्टेंट। अब क्रेडिट वर्दीनेस क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि क्या आपको कोई भी लोन या कोई भी अमाउंट ऐसे दे दिया जाएगा? नहीं, जो भी आपको लैंड कर रहा है वो ये तो देखेगा ना कि यार ये वापस लाइबल है, मुझे पे करेगा या नहीं, ये पार्टी क्या इसके पास इतना अमाउंट है, मैं क्या इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्या ये मुझे अमाउंट देगा वापस, राइट? तो इसीलिए ये क्रेडिट वर्दीनेस देखा जाता है कि वापस मुझे अगर पैसे वापस मिल सकते हैं तो ही मैं जाऊंगी। कोई भी कंपनीज अगर इशू कर रही है कोई इंस्ट्रूमेंट्स, तो क्या कोई भी पब्लिक वो इशू वो एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं लेगी ना, परचेज ही नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें डर है क्या यार ये कंपनी तो अभी अभी स्टार्ट हुई है, इनके पास इतना फंडिंग है कि वापस हमें पेमेंट कर सके। तो इसीलिए क्रेडिट वर्दीनेस इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज, इस पे ऐसा कुछ सिक्योरिटी पे नहीं रखा जाता कि हम बोले हाँ सिक्योरिटी पे आपने रख दिया तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, हम ये सेल करके हम इनकम अर्न कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई क्रेडिट वर्दीनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म असेट्स और इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ विच इज 1 ईयर और लेस, मैंने आपको पहले ही बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। डेट इंस्ट्रूमेंट्स रिस्क इज लेस कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे भी आपको वापस पे तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है मैंने सिर्फ ले लिया, राइट? क्या सिर्फ यहाँ पे लेके मैं रख लूंगी, मुझे वापस पे नहीं करना है? करना है। तो दैट इज डेट इंस्ट्रूमेंट की हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। रिस्क इज लेस इज कम्पेयर टू अदर। क्यों रिस्क कम है?
क्योंकि ये 1 ईयर के लिए ही है। अगर अभी आप कैपिटल मार्केट में देखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा वहां पे, तो वहां रिस्क ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे तो आपको 1 ईयर के लिए करना है। तो 1 ईयर के लिए हम देखेंगे यार क्रेडिट वर्दीनेस तो अच्छा है बंदे का, दे देते हैं, 1 साल में क्रेडिट वर्दीनेस खराब तो नहीं होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ रिस्क कम है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए दोगे आप लोग तो उस केस में इश्यू आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता 10 साल बाद क्या होने वाला है उस पार्टी का, इसीलिए वहां रिस्क ज्यादा रहता है। नो फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन, क्या यहाँ कोई फिक्स लोकेशन होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा किससे बना है? हम बोलेंगे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है, कंपनीज है, ये सब मर्ज होके ही हमारा मनी मार्केट क्रिएट हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई फिक्स लोकेशन नहीं है कि मैं बोलूँ ये मनी मार्केट है, क्लियर? तो यहाँ पे हम बोलते हैं यहाँ पे आरबीआई भी इंक्लूड हो गया, कमर्शियल बैंक्स भी इंक्लूड हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज भी इंक्लूड हो गई, यहाँ पे बहुत कंपनीज इंक्लूड हुई है। तो इस केस में मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसका कोई फिक्स लोकेशन है। प्रॉम्प्टली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो हमने लिक्विडिटी देखी, सब ब्रांचेस ऑफ मनी मार्केट सच एज कॉल मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट एंड ट्रेजरी बिल मार्केट। तो क्या है ये? जब हम बोलते हैं मार्केट तो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे हम क्लॉथ मार्केट की बात करें वहां सिर्फ क्लोथिंग में डील होती है, तो वैसे ही यहाँ पे बॉन्ड मार्केट दिया जहाँ पे सिर्फ बॉन्ड इश्यू होता है। बॉन्ड मतलब अभी एक सर्टिफिकेट होता है जिसे इश्यू करके हम क्या कर सकते हैं, लोन रेज कर सकते हैं, फंडिंग रेज कर सकते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे भी, कुछ इसके सब ब्रांचेस दिए हुए हैं। एंड लास्ट इज सक्सेस ऑपरेशन ऑफ मनी मार्केट डिपेंड्स ऑन बैंकिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस पे डिपेंड करता है ये? बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे तो पूरा मनी मार्केट क्रिएट है, तो अगर वो सक्सेस होगा तो मनी मार्केट सक्सेस होगा। तो वही चीज यहाँ पे सब दिया है, दैट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी मार्केट, क्लियर? अब इसके मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, दैट इज टीसीएस। टीसीएस रिलेटेड टू टू पार्ट, सी फॉर क्रेडिट वर्दीनेस एंड एस फॉर शॉर्ट टर्म असेट्स। सो टीसीएस, द लार्जेस्ट कंपनी, द इट्स रिलेटेड टू डी, दैट इज डेट इंस्ट्रूमेंट। लार्जेस्ट कंपनी, इट्स रिलेटेड टू नथिंग। देन प्रोवाइड्स, दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल लोकेशन। कंसल्टेंसी सर्विसेज, दैट इज रिलेटेड टू कन्वर्टेबल एंड सब ब्रांचेस ऑफ मनी मार्केट। कन्वर्टेबल सब ब्रांचेस, कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड आईटी सर्विसेज। आईटी इज रिलेटेड टू नथिंग एंड सर्विसेज इज रिलेटेड टू सक्सेस। सो दिस इज द मेमोरी टेक्निक दैट यू हैव टू लर्न। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, जो कि मैंने हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में टू टाइप्स ऑफ मनी मार्केट होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट क्या है? इट इज अ फॉर्मल मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ आरबीआई, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल बैंक। इसके अंदर हम यही देखेंगे कि ये जो मार्केट आपको नाम से ही समझ में ऑर्गेनाइज है, यहाँ फॉर्मल रूल्स बनेंगे, कुछ रेगुलेशंस बनेंगे। तो मनी मार्केट के अंदर जब फॉर्मल की हम बात करेंगे तो इसमें आरबीआई आएगी, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल बैंक, ये सबसे बना है हमारा ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ये रेगुलेटेड किससे होगा? आरबीआई से रेगुलेट किया जाएगा। पूरे रेगुलेशंस इसका कौन देखेगा? आरबीआई देखेगा। इट इंक्लूड्स द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जो कि हम आगे इसके डिटेल में देखने वाले हैं। तो जब हमने ऑर्गेनाइज की बात की तो ऑर्गेनाइज हम किससे बोलेंगे कि किससे ऑर्गेनाइज क्रिएट हुआ है? जब हम बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, आरबीआई, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल बैंक, अदर बैंक्स, तो ये सब आ गया फॉर्मल। इसका रेगुलेशन है आरबीआई से। एंड नेक्स्ट, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइज है, जो इसके अंदर हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसे इश्यू करके क्या कर सकते हैं? फंड रेज कर सकते हैं, जो हम देखेंगे आगे बैंक्स, कंपनीज ये रेज करके फंड रेज करती है, क्लियर? नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज, जहां हम देखेंगे कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई फॉर्मल प्रोसेस वहां नहीं होगी। क्या है? अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट इनफॉर्मल है, देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई रूल्स रेगुलेशंस वहां नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर, श्रॉफ्स, लैंडलॉर्ड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या हो गया, हम देखेंगे जो छोटे मोटे लेंडर्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो गए। वहां हमने क्या देखा, आरबीआई, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए। लेकिन जब अनऑर्गेनाइज की बात की हमने तो मनी लेंडर्स आ गए, श्रॉफ्स आ गए। श्रॉफ्स क्या होता है? जहां बोलते हैं गोल्ड दे के पैसा रेज किया जाता है, अगर पैसों की जरूरत है तो गोल्ड दे दो और मनी ले लो, राइट? तो वो हो गए श्रॉफ्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ये सब चीजें इसके अंदर आ गई।
दिस मार्केट डेवलप्ड इन रूरल एरियाज दो ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, राइट। यहाँ पे हम ये देखेंगे ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है ये ज्यादा कहाँ प्रिवेल होता है, ये ज्यादा हम देखते हैं विलेजेस में होता है, जहाँ रूरल एरियाज है वहां होगा। ये हम देखेंगे हमारी बड़ी बड़ी सिटीज में जल्दी से ये हमें नहीं मिलेगा देखने को। क्यों? क्योंकि हमें तो चाहिए, हम किसके पास जाते हैं, बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे क्या? हम जल्दी से मनी लैंडर शॉप के पास जाते हैं? नहीं जाते। बट अभी भी कहीं कहीं सिटीज में भी होता है, लेकिन हम बोले अगर मेजर पार्ट अगर हम इसका देखें तो कहाँ मिलेगा हमें, हमें विलेजेस में मिलेगा, रूरल एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, अब हम इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ असर दिए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नाम दिया था, तो वही इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इशू करती है, अनऑर्गेनाइज नहीं करेगा, ये जो ऑर्गेनाइज है वो इशू करेगा। तो क्या है? सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ट्रेजरी बिल्स एक टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब ये कौन इशू करता है? ये आरबीआई इशू करेगा जब गवर्नमेंट को जरूरत है, गवर्नमेंट को फंडिंग की जरूरत होती है, तो उस केस के अंदर ये ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं। बट ये भी किसके लिए होगा? फॉर अ शॉर्ट टर्म, फॉर अ 1 ईयर। तो ये इशू किए जाएंगे और जो भी इंटरेस्टेड होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल इज आइदर 91 डेज, 182 और 364। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, या तो ये 91 डेज के लिए आप इशू करो, या 182 डेज के लिए करो, या फिर 364 डेज के लिए करो, उसके आगे तो होगा नहीं क्योंकि 1 ईयर है। एंड इट इज अ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड किसे बोला जाए? जीरो कूपन मतलब जिसपे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मींस अगर आरबीआई ने ये इशू किया है तो उस केस के अंदर जो भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, तो इस जीरो कूपन बॉन्ड में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, या मैच्योरिटी के टाइम पे आपको क्या होगा, पेमेंट होगा। कैसे होगा? इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन इट, इशूड इन डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। आई जी समझ, डिस्काउंट पे इशू हो गया, जैसे आपके शेयर्स इशू होते हैं वैसे ही इशू होगा। बिल ऑफ 25,000 इशूड एट 23,500। आई जी समझ में, इशू किस पे हुआ? 23,500 पे। क्या हुआ? बैंक ने इशू कर दिया। अब 23,500 पे इशू किया है और जब रिडीम होगा 1 साल के बाद तो 25,000 दे दिया, तो ये गैप क्या हो गया? तो गैप आपका हो गया इंटरेस्ट, जिसको नाम दिया कि ये डिस्काउंट पे इशू हुआ है और पार पे दे दिया, तो ये इनकम हो जाएगी इन्वेस्टर। इट मीन टू से कि आपको यहाँ पे ऐसे नहीं है 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट मिलेगा या आपको मंथली या इंटरेस्ट जैसा कोई इनकम अराइज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको मैच्योरिटी डेट पे पार पे पेमेंट कर दिया जाएगा, दैट इज ओनली द इंटरेस्ट फॉर यू, वही आपकी अर्निंग है। तो ये वही चीज है, ट्रेजरी बिल है। जब भी बैंक को जरूरत होता है तो बैंक ये क्या करती है, ट्रेजरी बिल को इशू कर देती है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा, मैच्योरिटी डेट पे आपको फुल अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुआ है, दैट इज 23,500। इस पे इशू हुआ है तो आपको पार पे ये पेमेंट हो जाएगा 25,000। क्लियर? तो ये होता है ट्रेजरी बिल। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। अब ये क्या है? इट इज अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट लाइक प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट हम बोलते हैं ना, आई प्रॉमिस यू कि मैं इतना टाइम के बाद इतना पेमेंट करूंगा, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ ऑफ अमाउंट 50,000, 1 लाख, जितना भी अमाउंट है। तो वैसे ही होता है कमर्शियल पेपर। ये क्या हो गया? अनसिक्योर्ड भी है और आपको ये एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट की तरह ये होगा। इट इज इश्यूड बाय कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैविंग हाई क्रेडिट वर्दीनेस। ये हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस आपको चाहिए। अगर कंपनीज कमर्शियल पेपर इश्यू करेगी तो उनकी रेपो अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होना चाहिए, नहीं तो क्या आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर दोगे जहाँ आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, आपको उसकी रेपुटेशन का पता ही नहीं, आपको तो यार ये कंपनी तो डूब जाएगी तो मेरे पैसे कैसे आएंगे। तो वही क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छा होना चाहिए उनका जब भी यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें। इट इज इश्यूड फॉर ₹5 लाख और इट्स मल्टीपल एट डिस्काउंट। अब यहाँ पे भी वही चीज है, ये क्या बोल रहा है, ये इश्यूड होगा 5 लाख का। ठीक है, मतलब ये 5 लाख का आप इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, 5 लाख का मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में जब हम बोलते हैं 5, 10, 15, 20, तो इसके मल्टीपल्स में ही ये इश्यू हो सकता है, लेकिन किस पे होगा, डिस्काउंट पे, जो हमने ट्रेजरी बिल में पढ़ा था।
कि 25 को 23,500 में कर दिया तो वैसे ही इसका होगा 5 लाख है, तो उस केस में ये भी कंपे इन्वेस्ट करेगा, कंपे इशू करेगा, दैट इज 470 पे इशू हो गया और आपको मैच्योरिटी पे पूरा 5 लाख मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये इनकम हो गई इन्वेस्टर की। एंड इश्यू फॉर मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 1, तो टाइम पीरियड सबका दिया है कितने टाइम से ये इशू हो सकता है, तो दैट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर भी एक तरीका का सर्टिफिकेट है जो कि अनसिक्योर्ड है और इसे भी इशू किया जाएगा फॉर 1 ईयर फॉर रेजिंग फंड, बट ये इशू कौन करता है, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस करेंगे, क्लियर। और वो कौन कर रहा था, ट्रेजरी बिल, वो आरबीआई कर रहा था, तो इसमें डिफरेंस समझ में आया, और तो सेम है कि ये भी डिस्काउंट होता है वो भी डिस्काउंट। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब हम इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करेगा, ये भी बैंक इशू करेगी, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू इट, ये इशू करेगी, नेगोशिएबल एंड कैन बी सोल्ड, ये सोल्ड हो सकता है, एंड द प्राइस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी मिनिमम 1 लाख। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करना है, बैंक इशू करेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करेगी, तो उसका मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, दैट इज 1 लाख। 1 लाख से अगर कम है आपका अमाउंट तो उस केस के अंदर आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू नहीं कर सकते, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स आपने सबने देखा ही होगा कि आपने अकाउंट्स में ये चीज पढ़ी है, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, तो वही चीज ये है। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय सेलर और बायर, दिस बिल बिकम ट्रेड बिल, एंड व्हेन इट इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड कमर्शियल बिल, एंड इट इज डिस्काउंटेड बाय बैंक डिडक्टिंग डिस्काउंट। वही चीज हमने यहाँ पे देखी है, अगर सेलर को पैसों की पहले ही जरूरत पड़ जाती है, उसने दे दिया 6 मंथ्स का क्रेडिट, लेकिन उसको अगर 4 मंथ्स में जरूरत पड़ जाएगी तो वो क्या करता है, वो उस बिल को लेके जाता है बैंक में, और बैंक क्या कर देती है, पूरा अमाउंट दे देगी, 50,000 है तो 50,000 का अमाउंट दे देगी, नहीं देगी, 50,000 में से कुछ डिडक्ट करके देगी, जैसे उसने दे दिया 48,000, तो 2,000 की इनकम किसकी होगी, बैंक की होगी, तो वो डिडक्ट कर देगा अपना डिस्काउंट और उसको बाकी का 48,000 का सेलर को पेमेंट कर देगा। तो ये क्या है, ये कमर्शियल बिल है, और ये कितने टाइम के लिए, 30, 60, 90 डेज के लिए इशू हो सकता है। तो ये वैसे भी सबको पता ही है, बट फिर भी मैंने एक बार बता दिया कि ये वही चीज है जो आप पढ़ते हो, बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल, दैट इज कमर्शियल बिल्स। इस तरीके से आप अपना फंड को रेज कर सकते हो, अगर पैसों की पहले ही जरूरत पड़ गई तो बैंक से आप जाके डिस्काउंट करवा सकते हो, राइट। तो वही चीज थी कमर्शियल। नाउ लास्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल एंड नोटिस मनी। कॉल एंड नोटिस मनी क्या है, जब बोलते एक बैंक को दूसरे बैंक से फंड रेज करना रहता है, जब बोलते हैं कि आरबीआई के इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि आपको इतना सीआरआर क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, आपको सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो की, आपको इतना रेशियो रिजर्व मेंटेन करके रखना है, और जब कभी ये रेशियो का शॉर्टेज हो जाता है कोई भी बैंक को, तो उस केस में एक बैंक दूसरे बैंक से सरप्लस अमाउंट मांग लेती है, तो उसे बोला जाता है कॉल मनी एंड नोटिस मनी। जब एक बैंक के पास शॉर्टेज है और दूसरे बैंक के पास सरप्लस है, तो इन दैट केस वो क्या करती है, इशू कर देती है कुछ अमाउंट दूसरे बैंक को जिसको जरूरत है। तो वही चीज है, देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय आरबीआई, व्हिच इज कॉल्ड कैश रिजर्व। वन बैंक बोरो फ्रॉम द अदर बैंक टू मेंटेन द कैश बैलेंस। कॉल मनी मार्केट इंक्लूड्स कॉल मनी एंड नोटिस मनी, ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड होगा। When money is borrowed or lent for one day, तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉल मनी। जब वन डे के लिए आप कर रहे हो तो उसे बोला जाता है कॉल मनी, इंटर बैंक कॉल मनी। एंड when it is borrowed or lent for 2 to 14 days, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा नोटिस मनी, क्लियर है। तो ये था हमारा कॉल एंड नोटिस मनी। तो हमने ये 5 टाइप्स के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स देखे जो कि मनी मार्केट में प्रिवेल होते हैं। तो ये मैंने आपको आज ये टॉपिक समझाया, डेट इज मनी मार्केट, बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और नहीं तो पसंद आया है वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो बाय।